इट लिटरली मेल्ट्स इन योर माउथ. जैसे कि आप एक बाइट लेते हो, जो मीट है वो ऑलरेडी आपके लाइक आपके मेल्ट हो जाता है आपके मुंह के अंदर और काफ़ी बढ़िया टेस्ट देता है. रोटी के पहले कबाब मुंह में घुल जा रहे हैं, लिटरली इट मेल्ट्स इन योर माउथ. गाइस देखा आपने, मीट हल्का सा खींचने पे वो इतना टेंडर मीट है गाइस, हल्का सा मैंने उसको खींचा वो मीट टूट गया है. और ये जो ड्रिप देख रहे हो आप, ये अमूल बटर है गाइस. दिस इज अ फैमिली बिजनेस. इट वाज नाउ ऑलमोस्ट अराउंड 80-85 इयर्स ओल्ड फ्रॉम माय फादर्स टाइम. लाइक आई केम इनटू माय दिस बिजनेस अराउंड 40 इयर्स बैक. ओके. सो व्हेन आई जॉइंड माय फैमिली बिजनेस, इट वाज ओनली अ बेकरी. Like making only a few items like pav, kadak pav, toast, butter, khari and all. Basically, I first developed it into a full-fledged bakery. Okay. Like I started everything that is connected to a bakery. And the first thing I started outside a bakery item was I started with chapatis. Like ready to eat chapatis, which normally was never the trend to buy ready made chapatis. Even like the companies who have now come out with chapatis had never had thought of a marketing chapatis. And when I started chapatis, like I had my neighbors and other business outlets literally laughing and poking jokes at me ke Roshan Bakery ab chapati chalu kiya, you know, like. And when I was successful and I started selling nearly around 2000 chapatis a day, and I had all those people who were smiling and laughing at me, like I saw them selling chapatis themselves. So that was a big thing for me. I never wanted any of my customers to go outside, you know. Okay. I wanted to get everything at one place. My kebabs will be completely different from other people because the tenderness is basically this is made from the chicken leg meat. Okay. Which is all as it is tender, plus with the ingredients and all it becomes more tender. Secondly, the process of grilling this kebabs which are there, if you must have observed, okay, we don't use fan and outside air for grilling this. Exactly. This is made right from the heat of the coal. You know, that gives it the flavor. Because we don't use the fan, the ash doesn't fly and stick to the meat. बहुत देर से खाना सामने रखा है और मुझे यकीन मानो अब नहीं रुका जा रहा है. सो लेट्स स्टार्ट विद द चपली कबाब जिसके लिए हम यहाँ पर आए थे. सो थोड़ा क्लोजअप लाओ. सो गाइस ये है चपली कबाब एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मैं लाइक मुंबई में, साउथ मुंबई में चपली कबाब ट्राई करने वाला हूँ. सो कम क्लोजअप, थोड़ा नज़दीक लाओ. काफ़ी हेल्दी और काफ़ी मोटे कबाब लग रहे हैं. एंड सीरियसली गाइस, सो बेसिकली चपली कबाब इज़ लाइक बाहर से क्रिस्पी होते हैं एंड जो अंदर होता है वो काफ़ी टेंडर हिस्सा होता है, काफ़ी टेंडर पोर्शन होता है. सो दिस इज़ द सेम विद इट. सो गाइस यहाँ पर देख सकते हो आउटसाइड का जो लेयर है वो काफ़ी क्रिस्पी है जैसे कि आप देख सकते हो, और इनसाइड की मेकिंग काफ़ी टेंडर है, काफ़ी सॉफ्ट है. एंड लेट्स गिव इट अ ट्राई. चलिए. सो गाइस मैं बिना चटनी के ट्राई करने वाला हूँ, लेट्स गिव इट अ सिंपल ट्राई. गाइस बहुत यम्मी है. जैसे कि मैंने आपको बताया चपली कबाब की एक स्पेशलिटी होती है, वो बाहर से क्रिस्पी होते हैं एंड ऑन द इनर साइड काफ़ी टेंडर और काफ़ी सॉफ्ट होते हैं. सो ये भी सेम है, बहुत सही है. मैं बात करूँ अगर इनसाइड की तो काफ़ी टेंडर मीट है, काफ़ी सॉफ्ट है. इट लिटरली मेल्ट्स इन योर माउथ. जैसे कि आप एक बाइट लेते हो, जो मीट है वो ऑलरेडी आपके आपके मेल्ट हो जाता है आपके मुँह के अंदर और काफ़ी बढ़िया टेस्ट देता है. एंड यू हैव वन मोर बाइट टू गो. गाइस जैसे कि आप देख सकते हो काफ़ी हेल्दी मीट है और एक ग्रीन वेजेस भी दिख रहे हैं यहाँ पर आपको देख सकते हो, और वेजेस का इस्तेमाल हुआ होगा. एक हला एक ग्रीन चटनी का फ्लेवर मुझे मिल रहा है इसके अंदर फॉर श्योर. और यकीन मानो गाइस बहुत टेस्टी है. दिस इज़ रुमाली रोटी चपली कबाब एंड
इनकी नॉर्मल ग्रीन चटनी जो मिंट और कोरिएंडर की होती है, एंड थोड़ा सा कांदा. दिस इज द बाइट. गाइस यकीन मानो रोटी के पहले कबाब मुंह में घुल जा रहे हैं, लिटरली इट मेल्ट्स इन योर माउथ. बहुत सही, बहुत टेंडर कबाब है और बहुत डिलीशियस और बहुत टेस्टी है. सो गाइस आप टेस्ट करने वाला हो मैं लाजवाब कबाब बेसिकली. और जैसे कि आप देख सकते हो थोड़ा क्लोजअप लाओ. और गाइस बोनलेस चिकन है, जैसे कि फारूक सर ने बताया लेग चिकन लेग के थाई होते हैं, बोनलेस पीस है, सारे के सारे बोनलेस पीस है. और यहाँ पर एक वाइट सॉस का इस्तेमाल हुआ है इनके, एक वाइट सॉस में ये ग्रिल हुए हैं एंड रॉ चारकोल पे ग्रिल हुए हैं गाइस. सो काफ़ी एक बढ़िया आउट आप देख सकते हो गाइस. देखा आपने मीट हल्का सा खींचने पे, वो इतना टेंडर मीट है गाइस, हल्का सा मैंने उसको खींचा वो मीट टूट गया है. सो आप टेंडरनेस देखते हो तो कितना काफ़ी टेंडर मीट है ये. सो बिना किसी देर के लेट्स गिव इट अ ट्राई. सो गाइस लाजवाब है, काफ़ी लाजवाब है ये. वाइट सॉस में बनाया है तो ये बेशक तेज़ नहीं होगा, ये काफ़ी क्रीमी सा टेस्ट दे रहा है, ज़्यादा स्पाइसेस नहीं है. अगर आपको एक स्वीटनेस और एक स्वीट एक्सपीरियंस करना है इसके अंदर तो आप वो कर सकते हैं बेसिकली. और उसके बाद यहाँ पर बटर का इस्तेमाल हुआ था, देन यहाँ पर आप देख सकते हो क्रीम का भी इस्तेमाल हुआ है, अमूल क्रीम उन्होंने यूज़ किया है एंड एक काफ़ी बढ़िया टेस्ट दे रहा है ये. सो वन मोर गो. लिटरली गाइस जो मीट की टेंडरनेस है बेशक लाजवाब है, अल्टीमेट सॉफ्ट. सो गाइस एज कम्पेयर टू लाजवाब ये थोड़ा स्पाइसी लग रहा है, कलर देख के तो यही लग रहा है, बट नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर. सो मैं इसे ट्राई करूंगा उसके बाद बताऊंगा कैसा ही है. ओके सो सेम गोज फॉर दिस गाइस, ये भी ग्रिल्ड हुआ था रॉ चारकोल पे और यहाँ पर भी मीट काफ़ी टेंडर लग रहा है मुझे फर्स्ट ऑर. और ये जो ड्रिप देख रहे हो आप ये अमूल बटर है गाइस, अमूल बटर का भी इस्तेमाल हुआ था, ब्रशिंग करी गई थी अमूल बटर की. और आप देख सकते हो सिंगल बोनलेस पीस है इनका ये. सो एक सिंगल पीस अखा खाने वाला हूँ मैं. गाइस जैसे कि मैंने बोला नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर, यकीन मानो जितना स्पाइसी मैंने सोचा था ये यकीन उतना स्पाइसी जरा भी नहीं है. एक परफेक्ट बैलेंस स्वाद दे रहा है स्पाइसेस का, इनके जो रेड मसाले होते हैं उसका एक प्रॉपर स्वाद आ रहा है, नॉट टू स्पाइसी और नॉट टू स्वीट, एक बैलेंस स्वाद है और काफ़ी बढ़िया टेस्ट दे रहा है. और टेंडरनेस तो क्या ही कहने, चिकन इतना माशाल्लाह टेंडर है, लिटरली इट मेल्ट्स इन योर माउथ. आई विल से इट अगेन, बहुत ही टेंडर है, आपको चू करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लिटरली आप मुंह में रखोगे वो अपने आप ऑटोमेटिकली वो चीज़ मेल्ट हो जाएगी. बहुत ही बढ़िया गाइस, चेक करो ये ऑलरेडी जो आपको दिख रहा है ये चिकन का जूस तो हो गया ही होगा, बट साथ में अमूल मक्खन है पूरा, जो अमूल बटर इन्होंने यहाँ पे ब्रशिंग करी थी, बहुत सही ब्रशिंग करी थी. एंड गाइस यहाँ पर भी क्रीम का इस्तेमाल हुआ, जैसे कि आप देख सकते हो वाइट क्रीम है ये. चिकन बटर बहुत अच्छा लगा गाइस मुझे, और मैं एक और बाइट लेने वाला हूँ रुमाली रोटी के साथ. सो ये किया मैंने नवाला तैयार, थोड़ी सी अनियंस जो ऑलरेडी मसाले और बटर में ऑलरेडी भीगी है, पूरा लिटरली वो लोडेड है विद द अमूल बटर एंड द मसाला, जो चिकन बटर का मसाला है वो सारी अनियन उसमें ऑलरेडी लोड हो चुकी है. गाइस कुछ लोगों को ज़्यादा तेज खाना, ज़्यादा स्पाइसेस वाला खाना पसंद नहीं होता है, सो दिस इज फॉर देम ओनली, नॉट टू स्पाइसी. ज़्यादा गर्म मसालों का स्वाद आपको नहीं मिलेगा, एक बैलेंस स्वाद दे रहा है, एक बहुत ही एक कहते हैं ना आप एक लेवल का स्वाद है यहाँ पर, नॉट टू हाई कि ज़्यादा गर्म मसाले का, ऑल्दो ग्रिल कर दिया तो गर्म मसाले का स्वाद आ रहा है, बट दिस इज़ नॉट द केस. काफ़ी बैलेंस स्वाद है, मसालों की जितनी स्मेल आनी चाहिए, जितना फ्लेवर आना चाहिए वो परफेक्टली बैलेंस है, परफेक्टली वो यहाँ पर इस चिकन में मिल रहा है. सो थम्स अप फॉर मी. डू मेक श्योर अगर आप ऑप्शन मेकरी आ रहे हो तो इनका लाजवाब बर्रा और लाजवाब कबाब और इनका चिकन बर्रा आप ज़रूर ट्राई करो, बहुत सही है. एंड डोंट फॉरगेट द चापली कबाब, मेरे हिसाब से लाइक इन साउथ मुंबई दे आर द ओनली वन हु सर्विंग चापली कबाब राइट नाउ. और जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया चापली कबाब बहुत टेंडर थे गाइस, आउटसाइड से काफ़ी क्रिस्पी और इनसाइड पे काफ़ी यमी और काफ़ी सॉफ्ट. वन मोर बाइट टू गो विद चिकन बर्रा कबाब विद दिस चटनी. सर ने बताया दिस इज स्पेशली फॉर द चिकन बर्रा कबाब, ये चटनी इसके लिए अलग से बनाई जाती है. सो लेट मी टेस्ट द चटनी एज वेल. क्या बात है,
गाइस जो मिंट की चटनी और जो मिंट का स्वाद एक बर्रा के साथ मिल रहा है ना, बहुत ही बढ़िया टेस्ट कर रहा है। यकीन मानो जो मसालों का जो एक आउटपुट निकल रहा है चटनी के साथ में, वो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी है। सो ये थी मेरी तीनों डिश मैं और मेरा भाई, मेरा कैमरामैन मिलके ख़त्म करेंगे। सो मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, नई जगह पे, नए खाने के साथ। टिल देन आप भी खाते रहो, डू व्हाटएवर यू वांट। एंड एक और बात गाइस, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करो तो प्लीज़ डू मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल। हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे वीडियो को शेयर करें। एंड बी सेफ एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय।